उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है और उसी के बाद में हम लोग स्टाइकोमेट्री के सेकंड लेक्चर को आज डिस्कस करेंगे जिसका कोड CAT 372 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि आपको पता है कि जिस स्टाइकोमेट्री की केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सबसे ज़्यादा इसकी जो डिज़ाइन और ट्रीटमेंट इसकी बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशन है, तो इसलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है और उसकी टाइप्स देखी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, वन इज द यूनिट ऑपरेशन एंड अदर वन इज द यूनिट प्रोसेस। और उसमें देखा कि जिसमें फिजिकल चेंजेस आती हैं उसे यूनिट ऑपरेशन कहते हैं और जिसमें केमिकल चेंजेस आ रही हैं उसे यूनिट प्रोसेस कहते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो मेजरमेंट के सिस्टम थे वो चार सिस्टम थे जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। और फिर हमने डिफरेंट रिलेशन देखे, वॉल्यूम मास रिलेशन और मास वॉल्यूम रिलेशन। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि किस तरह ये वाले हम रिलेशन को आगे फर्दर यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। मकसद इस चीज़ के रिवीजन का यह है कि आपको आइडिया हो जाए कि हम कैसे पीछे से चले थे और उसी चीज़ को आगे लेके हम फर्दर मूव कर रहे हैं। और हमने क्या किया, यूनिट्स और डिमेंशन की टाइप्स को देखा। यूनिट और डिमेंशन की दो टाइप्स है जिसमें आ जाता है कि बेसिक यूनिट्स आ जाते हैं जिसको हम बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स में, और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी है। और जो बेसिक क्वांटिटी है वो सेवन्स है जिसको हमने पिछले लेक्चर में देखा, और उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले जो क्वांटिटी आती है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि जिस स्पेस आपको पॉइंट बाय द सिस्टम हम उसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। हमको पता है कि लेंथ विड्थ और हाइट किसका यूनिट है, ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, ठीक है। लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। इस तरह अगर हम वॉल्यूम के यूनिट को बनाए तो दैट इज क्यूबिक मीटर, सिमिलरली क्यूबिक सेंटीमीटर, सिमिलरली क्यूबिक फुट। यानी CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और जो FKS सिस्टम है उसमें इसके ये यूनिट्स बनते हैं। इसी तरह आगे मूव करें, मास। मास क्या है कि किसी भी बॉडी का वेट है उसको हम मास कहते हैं। उसका जो यूनिट हो सकता है किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है और पाउंड हो सकता है। आगे मूव करें डेंसिटी। आप सबको पता है कि डेंसिटी इज द रेशियो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। और इसको दूसरे यूनिट में अगर आप कन्वर्ट करो तो क्या कर सकते हो, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पाउंड पर क्यूबिक फुट। आगे मूव करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। याद रखना है कि बहुत से बच्चे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी में कन्फ्यूजन करते हैं। डेंसिटी रेशियो है मास पर यूनिट वॉल्यूम की, और इनवर्स ऑफ डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो इट्स मीन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। जैसे हमने लिखा डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, सिमिलरली स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट इसके इनवर्स हो जाएगा, क्यूबिक मीटर पर केजी। उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे कि डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर उस डेंसिटी को इनवर्स कर लिया जाए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। आगे मूव करते हैं फोर्स। आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स के बारे में बताता है, इसमें सिंपल फार्मूला लिखा है एफ इज इक्वल टू एम ए। इसके यूनिट न्यूटन हो सकते हैं, टाइम हो सकते हैं, और डिफरेंट सिस्टम इसके डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अभी इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, यानी कि पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन आ रही है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी की टाइम के साथ वेरिएशन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी की टाइम के साथ वेरिएशन आए तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर डिस्टेंस की टाइम के साथ वेरिएशन आए तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। दोनों में फर्क ये है कि वेलोसिटी के डिनोमिनेटर में सिर्फ सेकेंड आता है और जो एक्सेलरेशन के डिनोमिनेटर में स्क्वायर सेकेंड आता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने सेकंड ईयर के यूनिट ऑपरेशन के टॉपिक में भी देखा था कि कैसे आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो वो कह रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की कैलकुलेशन का फार्मूला इज इक्वल टू मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज द इनवर्स ऑफ डेंसिटी। आगे मूव करते हैं, मास फ्लो रेट क्या होता है, मास पर यूनिट टाइम। इफ द पैसेज ऑफ टाइम टू मास में वेरिएशन आ रही है दैट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट। मास वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट
ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर आपके पेपर्स में आता है। मास का आस्की क्या होता है? मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। सो आगे मूव करते हैं प्रेशर। मास इलास्टिक की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा था कि मास इलास्टिक आपके अक्सर जो बोर्ड के पेपर्स है उसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मास इलास्टिक। सो मास इलास्टिक इज द रेशियो ऑफ मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। सो मास फ्लो रेट की अगर हम फार्मूले को देखा जाए तो ये होता है किलोग्राम पर सेकेंड। तो मास इलास्टिक का यूनिट हो गया, मास फ्लो रेट का यूनिट हुआ के जी पर सेकेंड, इनटू एरिया का यूनिट हो गया स्क्वायर मीटर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट इसके यूनिट को याद रखेंगे। याद रखें कि मास इलास्टिक का यूनिट है किलोग्राम पर सेकेंड इनटू स्क्वायर मीटर। आगे मूव करते हैं प्रेशर है। आपको पता है कि सबको प्रेशर की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर वन इज गेज प्रेशर। सो प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर का यूनिट हो सकता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर। जो एयर की वजह से प्रेशर हम एग्जर्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अनदर टाइप इज द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या है कि हमने किसी भी चीज के प्रेशर को गेज के थ्रू या किसी भी मशीन के थ्रू आप जो मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। और अगर हमने एब्सोल्यूट यानी हमने किसी भी चीज के एब्सोल्यूट प्रेशर करना है, देखो मेरी बॉडी के ऊपर सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है और मेरा एक अपना प्रेशर है दैट इज कॉल्ड टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर, जो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का एडिशन है। सो एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। आगे मूव करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में आप बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और आपको अक्सर विस्कोसिटी के यूनिट्स का नहीं पता चलता। विस्कोसिटी क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग फ्लूइड। इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्लोइंग फ्लूइड के दरमियान, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? पॉइस। पॉइस किसके इक्वल होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर इनटू सेकेंड। ये सीजीएस सिस्टम में विस्कोसिटी का यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर इनटू सेकेंड। अगर हम एमपीएस सिस्टम में या ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश सिस्टम में इसका यूनिट आता है पाउंड पर फुट इनटू सेकेंड। ठीक है, आगे मूव करते हैं पावर। आप सबको पता है कि पावर इज द रेशियो वर्क पर यूनिट टाइम, या वर्क की जगह आप एनर्जी को यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो पावर की या एनर्जी की आगे दो टाइप्स आ जाती है, करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है कि ड्यू टू मोशन की वजह से एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और ड्यू टू पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आगे थोड़ी सी कन्वर्जन फैक्टर है। इस लेक्चर में हम तीन कन्वर्जन फैक्टर को देखेंगे, फर्दर लेक्चर में हम और मजीद कन्वर्जन फैक्टर को देखेंगे, और जब हम कन्वर्जन फैक्टर के बारे में सीख लेंगे फिर हम इसके फर्दर न्यूमेरिकल ब्रिज मेथड को यूज करते करेंगे। याद रखना है कि कन्वर्जन फैक्टर को आपने याद करना है, रट्टा लगाना है, बार बार बता रहा हूँ उसको रट्टा लगाना है। जब तक आप इसको रट्टा नहीं लगाएंगे आपका ये न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं होगा। बोर्ड में आपको कन्वर्जन फैक्टर नहीं बताए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी कितने ग्राम के इक्वल होता है। सो सबसे पहले कन्वर्जन फैक्टर को देखते हैं। मास का कन्वर्जन फैक्टर है, आपको पता है कि 1 लार्ज टन और 1 शॉर्ट टन। कह रहे हैं कि 1 लार्ज टन कितने पाउंड के बराबर है? 1 शॉर्ट टन 2000 पाउंड के बराबर है। 1 मीट्रिक टन 1000 केजी के बराबर है। सिमिलरली 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। इसको मैं सिर्फ बता दूं, आपने याद बच्चों करना है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। 1 पाउंड 454 ग्राम के बराबर है। लेंथ की तरफ मूव करते हैं, 1 माइल इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर। 1 किलोग्राम में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और 1000 मिलीमीटर है और 3.28 फुट है। टाइम की तरफ मूव करते हैं, 1 सेंचुरी में 100 इयर्स होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो ये तीन कन्वर्जन है, फर्दर लेक्चर में मजीद कन्वर्जन को ऐड किया जाएगा और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल को बाय ब्रिज मेथड आपको सिखाया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।